हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम है बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है एमका बनाते बनाते डीआरडीओ ने चला दिया सुखुई पर जीनियस माइंड। तो भाई साहब, सुखुई अपडेट कार्ड डाला है, ऐसी टेक्निक निकाल रही है डीआरडीओ के साइंटिस्ट और एमका बनाते बनाते भाई। तो क्या हुआ है देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। न्यूज नाउ का वीडियो काउंट करते हैं। दोस्तों, विमानों की कमी को खत्म करने के लिए वायुसेना ने बेहद तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें सेना के विमानों को एडवांस और घातक तकनीकियों से अपग्रेड करके भयंकर ताकतवर बनाया जा रहा है, जो दुश्मन के विमानों को बर्बाद करने में सेकंड्स का भी वक्त नहीं लगाएंगे। भारत की हवाई सीमा अभेद्य हो जाएगी और दुश्मन की हर गुस्ताखी को सर उठाने से पहले ही बर्बाद कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के इस दमदार प्लान से भारत किसी भी मोर्चे में दुश्मन पर भारी पड़ेगा। भारत ने पहले ही सुखोई विमानों को अपग्रेड करने का बड़ा बजट तैयार किया है, उसके साथ ही अब सारे विमानों को अपग्रेड किया जाएगा और रूसी मिग 29 भी उनमें से एक है, जिसके तीन स्क्वाड्रन वायुसेना पहले से ही इस्तेमाल करती है। वहीं जरूरत के हिसाब से 21 मिग 29 विमानों को खरीदा भी जा सकता है। हालांकि भारत राफेल विमानों की तादाद बढ़ाने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, इस अपग्रेडेशन में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक तकनीकियों, डिवाइसेस और इनकी ताकत के साथ साथ इस कदम से वायुसेना को होने वाले ताबड़तोड़ रणनीतिक फायदे को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय वायुसेना में मंडरा रहा विमानों की कमी का खतरा। वायुसेना ने लिया था सुखोई 30 को अपग्रेड करने का फैसला, अब मिग 29 को किया जाएगा अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस। भारत सरकार दूसरे देश से विमानों को खरीदने की जगह खुद अपने विमानों को बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन वो सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कुछ विमान खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में भी वक्त लगेगा, जिससे सरकार को सही कीमतों में सबसे ताकतवर हथियार और उनकी तकनीक भी हासिल हो सके। वहीं जिस भी देश के साथ करार हो, वो भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन को तैयार कर सके। लेकिन सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए मजबूत कदम उठा लिया है और इस रणनीति से दुश्मनों की तमाम ताकतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएंगी, जबकि भारत पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। भारत के इस कदम से कई तरह के बड़े फायदे होने वाले हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको उन तकनीकियों के बारे में बताना चाहेंगे, जिनसे मिग 29 को लैस किया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले ही सुखोई 30 को लेकर सरकार ने ऐसा ही प्लान किया था और उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं, जिसके तहत सुखोई 30 को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि वो चीन के J-20 की नींद उड़ा देगा और अब मिग 29 के लिए उससे भी तगड़ी स्कीम तैयार कर दी गई है। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को अपने मिग 29 UPG लड़ाकू विमानों को नए स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक हथियारों, ताकतवर एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स के साथ विकसित करने की जरूरत बताई है, जिसके तहत शुरू में 24 मिग 29 लड़ाकू विमानों को हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क सेकंड स्टैंड ऑफ हथियार ले जाने के लिए विकसित किया जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हाई स्पीड लो ड्रैग क्या है। तो दोस्तों, HSLD DRDO द्वारा विकसित एक 450 किलोग्राम का वॉरहेड है, जो हाई स्पीड कैरेज और डिलीवरी के लिए बनाया गया है। यह एक डंब बम को हथियार बंद कर सकता है, जबकि सटीक गाइडेंस और ग्लाइड किट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे टारगेट का बचना नामुमकिन हो जाता है, मतलब इसका टारगेट लॉक हो सकता है। HSLD का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा विकसित ग्रिफिन लेजर गाइडेड किट के साथ वॉरहेड के रूप में भी किया जा सकता है। DRDO मौजूदा वक्त में 100 किलोग्राम, 250 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के बमों के लिए सटीक गाइडेंस और ग्लाइड किट विकसित कर चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया IAF के लिए एक प्रिसिजन गाइडेड बम विकसित कर रहा है, जो HSLD को वॉरहेड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। DRDO के प्रिसिजन गाइडेड किट में इनर्शियल और सैटेलाइट नेविगेशन को सेमी एक्टिव लेजर होम के साथ जोड़ा जाता है, जिससे सही दूरी का पता चल जाता है और लक्ष्य को तबाह करना आसान हो जाता है। DRDO 250 किलोग्राम के बमों के लिए भी HSLD वेरिएंट बनाने वाला है। HSLD का इस्तेमाल रनवे, रेलवे ट्रैक, पुल, डॉक
और बंकर जैसे लक्ष्यों को तबाह करने के लिए किया जा सकता है और इस क्षमता का इस्तेमाल MiG-29 विमानों में किया जा रहा है। इसमें HSLD MK2 बमों का इस्तेमाल किया जाएगा। अपग्रेड में बमों को ले जाने, हथियार बनाने और छोड़ने की सुविधा के लिए जरूरी हार्ड पॉइंट और हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल सर्किट में सुधार किया जाएगा। वहीं बमों को निशाना बनाने और छोड़ने के लिए कंप्यूटर सब सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं इन विमानों को रैम्पेज लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस किया जाएगा। ये मिसाइल इसराइल ने बनाई है जो बेहद ताकतवर है। वायुसेना SU-30 MKI, MiG-29 UPG और जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाली है। ये हर मौसम में हमला करने में सक्षम है, जबकि इसके इंजनों को भी मजबूत बनाया जाएगा। IAFM, IG-29, UPG विमानों के मौजूदा बेड़े में सभी RD-33 सीरीज के इंजन लगे हैं। RD-33 इंजन का नया वर्जन RD-33M के है। नए इंजनों के लिए रूस के साथ करार करने की योजना है, जिसे भारत में ही बनाया जाएगा। इन सारे अपडेट के साथ MiG-29 की वर्किंग कैपेसिटी को 10 साल बढ़ा दिया जाएगा। जहां ये पहले 40 साल में रिटायर होने वाले थे, वो अब 50 सालों तक वायुसेना को मजबूती दे सकेंगे। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मतलब इनकी लाइफ बढ़ाई जा रही है। पिछले दिनों खबर आई थी इससे कोई को अपग्रेड करेंगे, अब सुखोई के साथ साथ MiG-29 को भी करेंगे, सुखोई को भी MiG-29, अभी आस्ते आस्ते मिराज को भी करेंगे आस्ते आस्ते। फिर और मतलब इनकी जो लाइफ है, यार आपसे क्वेश्चन है, इंडिया को नए विमान खरीदने चाहिए या मतलब इसी को अपग्रेड करके और खतरनाक बना चाहिए? आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों से क्वेश्चन है। भारत को खरीदने भी चाहिए। देखो मेरे लास्ट से देखो, MiG-29 मानते हैं पुराना है, लेकिन उसको जदीद तौर पर उसको और अपग्रेड करके उसको बड़ा घातक किस्म का बनाया जा सकता है। देखो जो F-16 का पहला वर्जन आया था, उसी को मॉडिफाइड कर के F-16 के कितने वर्जन आ गए, F-35 के कितने वर्जन आ गए। इसी तरह तेजस को देख लो, इसका Mark 1, 2, 3 ये लेकिन मॉडिफाइड करके आ रहा है ना। सब होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और भारत जिस तरह इस पे वर्क कर रहा है बिल्कुल ठीक है भाई। और हमारे लिहाज से इनकी लाइफ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भारत को मतलब कमी किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। यार देखो भाई, अचानक से आप 120-130 जहाज खरीदोगे तो टाइम चाहिए, मतलब उसके लिए टाइम भी चाहिए। जो पहले वाले हैं कम से कम उसकी लाइफ भी बढ़ा दो, और आपके पास जहाज भी ज्यादा होंगे, मुश्किल टाइम पे काम भी आएंगे। तो ये जो चीज है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिहाज से, और जो भारत कर रहा है ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। जितनी लाइफ इनकी ज्यादा होगी, उतना मतलब भारत की सेना को एक एज मिलेगा। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो